ना कहीं देश के साथ सीमाएं साझा करता है तो अपने आप में बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रिजेस भी और टनल भी। बड़ी और अहम जानकारी मौजूदा वक्त के सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। तो बता दें कि बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां बच्ची से दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आया। बता दें कि गृह मंत्रालय विज ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले में, 8 साल की बच्ची के साथ यहां रेप हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि महज आधे घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और अब अनिल विज ने भी इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, अनिल विज के द्वारा कहा गया है। फरीदाबाद में बच्चे से दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आया। लगातार इसी तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां हाथरस का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था। वैसे में फरीदाबाद से ये चौंकाने वाला एक और मामला निकलकर सामने आ गया है, जहां 8 साल की, महज 8 साल की बच्चे के साथ रेप किया गया है। दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की बात कही अनिल विज ने। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, दुखद जानकारी है ये। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जिस पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी है, मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि सारी इसकी जांच करके और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि इस पूरे मामले में कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। अनिल विज ने साफ कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। हालांकि ये भी बता दें कि जो दोषी आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची से दुष्कर्म का मामला है, बच्ची 8 साल की है और इस आरोपी को महज आधे घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं, मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है कि कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, सख्ती से इस पूरी वारदात में निपटा जाएगा। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि तमाम जो गृह राज्य हैं, तमाम जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनकी तरफ से क्या कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया जाना चाहिए कि इस तरीके की वारदातें सामने ही ना आएं। यकीन मानिए, तकलीफ होती है, जनता टीवी को भी तकलीफ है और साथ में तमाम देश इस समय आंदोलित है हाथरस की घटना को लेकर के। हाथरस के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद फरीदाबाद, घटनाएं रुक नहीं रही हैं। वजह साफ तौर पर यही है, कानून में उतना जो है सख्ती नहीं है, शक्तिशाली कानून नहीं है, जिसकी वजह से डर नहीं बैठ पा रहा है लोगों में। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, ये कहना है अनिल विज का। लेकिन जनता टीवी की अपील तमाम महकमे से भी और सरकारों से भी, न सिर्फ हरियाणा सरकार से बल्कि तमाम लोगों से। और इसी के वापस ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, अब गृह मंत्री ने भी आदेश दे दिए हैं कि जो भी दोषी होगा उसे सख्त सजा दी जाएगी, और क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल, गृह मंत्री के आदेश के बाद पुलिस और अधिक हरकत में आ गई है। और यदि प्राथमिक स्तर की यदि बात की जाए तो इससे पहले भी जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी, पुलिस एक्शन मोड में आ गई थी। आधे घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई थी। 22 वर्षीय वह युवक था जिसने उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। और न केवल इस पूरे मामले के बाद जो पुलिस का जो रुख है वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने का है, बल्कि जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने भी एक अच्छी पहल शुरू करने की एक कोशिश की है। और जल्द ही इस बारे में बैठकें भी आयोजित की जाएंगी कि माँ बाप को इस बात की को लेकर जागरूक किया जाएगा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए और अधिक सतर्क रहे, खासकर जो उनके सहयोगी हैं, उनके टच में रहने वाले लोग हैं, चाहे फिर वो कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। क्योंकि फरीदाबाद की यदि बात करें तो केवल ये एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले एक 1.5 महीने की, मात्र 45 दिन की बच्ची के साथ भी कुछ माह पहले इस तरह की दरिंदगी हुई थी। उस वक्त भी कहा गया था कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, जल्द से जितनी कार्रवाई संभव हो सकेगी की जाएगी। लेकिन कार्रवाइयां होती हैं, आरोपी गिरफ्तार भी हो जाते हैं, लेकिन डर कई लोगों में नजर नहीं आ रहा है। पूजा, आपके पास वापस लौटेंगे। नरेंद्र गुप्ता हमारे साथ में एमएलए जुड़ चुके हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, फरीदाबाद में जिस तरीके की घटना सामने आई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नरेंद्र गुप्ता जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? आवाज आ रही है मैडम। नरेंद्र जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, गृह मंत्री का बयान है, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मैं ये आपसे अपील करूंगी कि आवाज आप अपने फोन की थोड़ा स्लो कर लीजिए, आवाज वापस आ रही है।
जी अब ठीक है आवाज? जी बिल्कुल, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मेरा के ऐसे किसी कृत्य का हम पुरजोर भर्त्सना करते हैं, पर आप पूरा जरा बताएं किस क्षेत्र का है, क्या पूरा इंसिडेंट क्या है? नरेंद्र जी, फरीदाबाद के अंदर एक 8 साल के मासूम के साथ रेप होता है, उसका पड़ोसी ही रेप की इस घिनौनी वारदात को अंजाम देता है और अब उसे पकड़ लिया गया है। गृह मंत्री ने भी इस पूरे मामले में आदेश दिए जांच के, लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये भी आ रही है कि आप तक अभी तक ये मामला पहुंचा भी नहीं है। नहीं, मेरे को इस मामले की संज्ञान है। मैं आप जो पूछना मेरे से चाह रहे थे कि ये पर्टिकुलरली सामाजिक जो इस समय विषमता जो इस तरह हमारे समाज में कितनी बड़ी गलत बात बनती जा रही है कि पड़ोसी ही एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, तो ये हमें सोचनीय विषय हमारे लिए और हमारे को समाज में एक जागरण जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। नरेंद्र गुप्ता जी, कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले ही 45 दिन की बच्ची के साथ रेप की वारदात होती है, तब से लेकर कि आज तक जागरूकता नहीं आई, तभी तो ये नतीजा देखने को मिला है कि 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। देखिए, यही तो हम कहते हैं कि हमारी जो अभियान को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया जाता है नरेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये है। ठंडे बस्ते में नहीं डालते, हमारा कहना ये है कि ये जो कल्चर, जो हमारा वेस्ट कल्चर आ गया, इसकी वजह से हम लोग ऐसी समस्याएं देख रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम समाज में इसे, जैसे आपने हमें बताया, यानी कि इसका दोष आप वेस्ट कल्चर को देना चाह रहे हैं, वेस्ट कल्चर की वजह से नहीं पूरे। आप ये समझिए टीवी में जिस तरह की हरकतें होती हैं, क्योंकि अभी इससे पहले कभी हम सोच भी नहीं सकते। नरेंद्र गुप्ता जी, सवाल मेरा आपसे ये है, आपने वेस्ट कल्चर का जिक्र किया, 8 साल की बच्ची, 22 साल का व्यक्ति दुष्कर्म करता है, 45 दिन की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, इसमें वेस्ट कल्चर कहां से आ गया? आप इसको थोड़ा सा मुझे डिफाइन कीजिए। ये मानसिकता जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं, कोई सही मानसिकता वाला व्यक्ति इस तरह की हरकत नहीं कर सकता और ऐसे गलत व्यक्तियों को सख्त सजा सरकार देगी, जांच का विषय नहीं है। लेकिन इस गलत ये जो मानसिकता है, ऐसे लोग बढ़ते क्यों जा रहे हैं, क्यों इनके अंदर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? देखिए, खौफ भी होना चाहिए और हमारी सामाजिक दायित्व भी बनता है कि ऐसे लोगों की काउंसलिंग करें, पूरे समाज में जागरूकता का अभियान हमें चलाना चाहिए और हम भी चलाएंगे और इसमें हम भी हिस्सा लेंगे कि लोगों को सामाजिक दायित्व के बारे में बताएं और इस तरह की हरकतें ना हो आगे समाज में। नरेंद्र गुप्ता जी, 45 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, फिर उसके बाद से अभियान के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कुछ किया है, वो खाका आप हमारे साथ थोड़ा शेयर कर दें। तमाम दर्शक भी इस समय आपको सुन रहे हैं, तब से लेकर के आज तक क्या किया है, क्या किया गया आपके क्षेत्र में आपकी तरफ से, वो आप बता दें। दूसरों की जिम्मेदारी का हम देख लेंगे कि जवाबदारी हम ले लेंगे उनसे कि कितनी है, लेकिन आप बता दें आपने अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया। 45 दिन की बच्ची के साथ रेप हुआ, आज 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसके बीच में ये जो डिस्टेंस रहा, इसमें आपकी तरफ से कैसा अभियान, क्या अभियान चलाया गया था, ये आप दर्शकों के साथ साझा कीजिए। हमारे अभियान में जितनी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, RWAs हैं, सबके बीच में जो हमारे स्लम एरियाज हैं, जो झुग्गी बस्तीज हैं, जहाँ पे बच्चे अकेले रहते हैं और जहाँ उनके माँ बाप गरीब लोग नौकरी पे जाते हैं, वहाँ विशेष रूप से हमारी कोशिश है कि NGOs के माध्यम से वहाँ पे शिक्षा के रूप में शाम के 3 से 4 बजे हम लोग क्लासेज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे NGOs के साथ हम जुड़े हुए हैं कि शाम को 3 से 4 जो, लेकिन ये मामले कोई झुग्गियों में ही थोड़ी ना हो रहे, पूरे फरीदाबाद में इस तरह से कई मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, इस अभियान को चलाने से क्या फायदा अगर इस तरह से मामले बढ़ते ही जा रहे हैं तो? देखिए, किसी चीज के लिए अभियान करना चलाना कितना फायदा है नहीं है, ये कहना आपका कि भी क्या फायदा, ऐसे तो, लेकिन आपने तो बता ही दिया ना कि वेस्ट कल्चर की वजह से ये सब हो रहा है, टीवी की वजह से ये सब हो रहा है। नहीं, देखिए बात सुनिए, टीवी की वजह से मेरा अपना मानना ये कि लोगों को ऐसी घृणित मानसिकता के लोग पैदा होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं तो ये तो मानना तो पड़ेगा ना आपका कि जो हमारे जो मोबाइल फोन पे और ये उल्टी सीधी चीजें देख के लोग ये गलत काम करते हैं और जहाँ पे माँ बाप नरेंद्र गुप्ता जी उल्टी सीधी चीजें देख करके लोग ये काम करते हैं, लेकिन पढ़े लिखों ने क्या किया, हाथरस में पेट्रोल डाल करके चिता जला दी,
देखिए मैडम ऐसा कमी है, जागरूकता में है नरेंद्र गुप्ता जी। जब आप जिम्मेदार पद पर बैठ करके इस तरीके का बयान आप टेलीविजन स्क्रीन पर दे रहे हैं तो लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी? देखिए मेरी तो कहना आपसे ये है कि हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों के बीच में जाके जागरूकता अभियान चलाएंगे। जागरूकता अभियान की जरूरत नरेंद्र जी पहले तो मुझे लग रहा है कि आपको है। आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से हो रहा है, टीवी में जो दिखाया जा रहा है उसकी वजह से हो रहा है, जागरूकता अभियान की आप डिटेल नहीं दे पा रहे हैं। फरीदाबाद से हमारी रिपोर्टर जुड़ी हुई है। 11 में आप यहाँ आइए, आप अपना देखिए, हम बताएंगे 3 से 4 बजे और 5 बजे तक के लिए हम शाम को एनजीओ के साथ मिलके मेरी अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बच्चियों को और बच्चों को। नरेंद्र जी आपको मानना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था में प्रॉब्लम है, टीवी पर आप इसका ठीकड़ा नहीं फोड़ सकते हैं। मैं टीवी पे कोई ठीकड़ा नहीं फोड़ रहा, आप भी और हम भी इसी समाज के हिस्से हैं, हमें इसका सोल्यूशन ढूंढने की तरफ ध्यान देना चाहिए मैडम। यहाँ कोई राजनीतिक हम कोई परचर्चा नहीं कर रहे। चलिए नरेंद्र जी, फरीदाबाद से हमारी रिपोर्टर हमारे साथ में जुड़ी हुई है, पूजा शर्मा जुड़ी है। पूजा, नरेंद्र गुप्ता को आपने सुना, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी वजह से तमाम तरह की वारदातें देखने को मिल रही हैं और टीवी पे जो दिखाया जा रहा है, मोबाइल पे जो मटेरियल उपलब्ध है उसकी वजह से इस तरीके की वारदातें होती हैं। ग्राउंड जीरो का उन्होंने जिक्र किया है, ग्राउंड जीरो पर एनजीओ की तरफ से काम कराया जा रहा है, कितनी सच्चाई उनके बयान में, आप बताएं दर्शकों को। ये पूजा शर्मा ने मेरा अटेंड किया है सोशल मीडिया और जो नरेंद्र जी, हमें उन्हें भी सुन लेते हैं पहले, उन्हें सुन लेते हैं। देखिए जैसा कि विधायक नरेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि सोशल मीडिया और टीवी पर जिस तरह की जो चीजें नहीं देखने वाली हैं वो लोग देखते हैं, निश्चित तौर पर मानसिकता पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पूरी तरह से वे ही चीजें जिम्मेदार हैं तो शायद ठीक नहीं होगा। और क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमने काम किया है, जो एक इसके लिए जो हमें जरूरी कदम लगा, हमने कई एक्सपर्ट से भी बात की है इस मामले में कि एक तो सबसे पहले स्कूल में जो 5th क्लास से बच्चे जो लड़के हैं विशेष करके, वो जब पढ़ाई को आगे करते हैं तो जरूर कक्षा में एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जहां उन्हें महिला सुरक्षा के बारे में बताया जाए, संस्कार विकसित करें। क्योंकि देखिए आज के युग में जिस तरह से शिक्षा में परिवर्तन आया है, वापस रेणु भाटिया हमारे साथ में हरियाणा महिला आयोग की सदस्य हैं, जुड़ चुकी हैं। रेणु जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। रेणु जी, फरीदाबाद में एक बार फिर से इस तरीके की दरिंदगी सामने आई है, मासूम बच्ची की इज्जत को तार तार किया गया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि आज भी इतनी गंदी मानसिकता के लोग पनपते हैं, जबकि समाज में बहुत सी एनजीओज हैं, विमेन कमीशन के माध्यम से, स्कूल्स के माध्यम से, अभी मैं जिनको सुन रही थी वो कह रहे थे स्कूल में क्लासेस होनी चाहिए। हम लोग जगह जगह जाकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्किंग इंडस्ट्रीज में, सब जगह जाके इस बात की नॉलेज देते हैं कि आपका बचाव कैसे आपको करना है या किस तरह से आपको सतर्क रहना है, या कोई इस तरह की घटना कहीं आप देखते हैं तो कैसे उसके खिलाफ रेणु जी, रेणु जी, नरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं क्षेत्र से, जो है एमएलए है वो, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो वारदातें होती हैं इसके पीछे वेस्टर्न कल्चर जो है रिस्पॉन्सिबल है, मोबाइल पर जो मटेरियल उपलब्ध है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसी की वजह से। कहीं मैंने ये आपसे पूरी तरह से नहीं जिम्मेवारी दी है, कहीं ना कहीं उससे उसका भी हिस्सा है वेस्टर्न कल्चर का, जो टीवी की बजाय मोबाइल जो बच्चे गेम देखते हैं, इधर उधर गंदी बातें सीखते हैं। मैंने हमेशा ये नहीं बोला कि प्रशासन की जिम्मेवारी है इस तरह के काम। चलिए नरेंद्र जी, तो फिर ये बताइए फरीदाबाद में जो रेणु जी, रेणु जी, नरेंद्र जी को आपने सुना, नरेंद्र जी को आपने सुना, क्या मैं जवाब दे रही थी? देखिए वेस्टर्न कल्चर को जहां हम इस तरह की जिम्मेदारी देते हैं कुछ जगहों पे, कुछ स्थानों पे इसका ये हो सकता है, परंतु छोटी बच्चियों के साथ जहां होता है, 50-60 साल की महिलाओं के साथ जहां होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली उन लड़कियों के साथ जहां होता है जिनके कान, आंख, नाक, मुंह सब ढका हुआ होता है, तो वहां हम इस चीज को लागू नहीं कर सकते। और ये एक कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैं समझ सकती हूँ उन्होंने जरूर कही है ये बात, परंतु एक महिला होने के नाते और कमीशन के नाते मैं कहूंगी कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस वजह से रेप होते हैं, तो जो जिसने भी इस तरह की घिनौनी हरकत की है उसे गिरफ्तार किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी सवाल का, इसी प्रतिक्रिया पर हमें जवाब चाहिए था नरेंद्र गुप्ता जी ने, जो कहा कि वेस्टर्न कल्चर और कहीं ना कहीं मोबाइल पर जो मटेरियल उपलब्ध है उसकी वजह से तमाम तरह की वारदातें हो रही हैं, उसी पर हमको प्रतिक्रिया चाहिए थी।
नरेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अभी ये कहा कि इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार टीवी होता है या फिर सोशल मीडिया होता है, लेकिन अब ऐसे में जनता से भी ये सवाल है कि जिस तरह से ये वारदातें निकलकर सामने आ रही हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।